बहुजन समाज पार्टी के अलग अलग प्रदेश अध्यक्षों ने किया बिरसा मुंडा इन्हें अभिवादन। जल जमीन जंगल का आंदोलन छेड़ने वाले भगवान बिरसा मुंडा, इनका आज है स्मृति दिन। साथियों जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, आज है भगवान बिरसा मुंडा इनका स्मृति दिवस और आज के इस अवसर पर बहुजन समाज पार्टी के अलग अलग संपूर्ण देश के अंदर जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उन्होंने उन्हें अभिवादन किया है और उन्हें याद किया है, उन्हें नमन किया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर रविकांत पीपल, इन्होंने भगवान बिरसा मुंडा इन्हें अभिवादन किया। उसी प्रकार महाराष्ट्र राज्य के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट संदीप ताज ने, इन्होंने भी भगवान बिरसा मुंडा इन्हें नमन किया, अभिवादन किया और उन्हें याद किया। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा, इन्होंने भी आज भगवान बिरसा मुंडा इन्हें याद किया, अभिवादन किया और कहा कि उनके आंदोलन को बहुजन समाज पार्टी जो है वो संपूर्ण न्याय देंगी। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत पोयाम, इन्होंने भी अभिवादन किया और अभिवादन पर संदेश भी दिया। आपको बता दें कि उनका यह कहना है कि भगवान बिरसा मुंडा इनका जो आंदोलन था जल जमीन जंगल को बचाना और आदिवासी समुदाय को सुरक्षित रखने का, यह जो आंदोलन था वो उस समय काफी कठिनाई से गुजरा, लेकिन अब संवैधानिक भारत में यह आंदोलन बड़ा सरल हो चुका है। चूंकि इस देश के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र में तमाम लोगों को वोट का अधिकार है, अब इस वोट के अधिकार का सही इस्तेमाल करके हम भगवान बिरसा मुंडा के यह इस जल जमीन और जंगल के बचाव को लेकर जो आंदोलन है उसे सुरक्षित कर सकते हैं और उसी प्रकार अपने समाज को भी हम सुरक्षित कर सकते हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि एक जो राजा होता है उसकी जिम्मेदारी होती है अपने महापुरुषों की विरासत को बचाना या तो निस्तनाबूद करना, और इसके साथ साथ यह कहते हुए उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, उत्तर प्रदेश में चार बार रही मुख्यमंत्री के दौरान उन्होंने जो काम किया है भगवान बिरसा मुंडा इनके सम्मान में, उस काम को उन्होंने दोहराया और वहां की तस्वीरें उन्होंने शेयर की और उन्होंने यह कहा है कि जिस प्रकार राजा अपनी विरासत को संभाल सकता है वही निस्तनाबूद भी कर सकता है, खत्म भी कर सकता है। तो अब आपको अपना राजा चुनना है, लोकतंत्र में आपको वोट का अधिकार है और आप अपने राजा उसी राजा को चुने जो आपके महापुरुषों की विरासत को संभाल कर रखे। इस संदर्भ में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।